जितने भी लॉ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के बारे में ढूंढ रहे हैं कि यार मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, मैं इस ईयर में हूं, सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं और मुझे इंटर्नशिप करनी है कोई भी बढ़िया सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और घर बैठे इंटर्नशिप करनी है और पेड इंटर्नशिप करनी है कि ताकि मेरे को काम करने का भी पैसा भी दिया जाए, और ज्यादा लंबी इंटर्नशिप नहीं करनी, छोटी सी मेरे को शॉर्ट इंटर्नशिप करनी है, तो क्या ऐसी अभी पर्टिकुलर इंटर्नशिप मेरे लिए अवेलेबल है, यानी कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है? बिल्कुल है। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत बढ़िया इंटर्नशिप के बारे में आपको बताऊंगा, जहां पर आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करके आओगे इसकी वैल्यू बहुत होती है। आपको अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप इंटर्नशिप पूरी कंप्लीट कर लोगे, आपके पास जब सर्टिफिकेट आ जाएगा, जब आप लॉ ग्रेजुएट हो जाओगे, जब आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे एज अ फ्रेशर के तौर पे, तो वहां पर आपके ये जो सर्टिफिकेट्स हैं बहुत ज्यादा काम आते हैं कि इस बच्चे ने अपने लॉ डेज के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया हुआ है। तो वो किया हुआ है ये कैसे सबूत आप अप्रूव करोगे? अपने सर्टिफिकेट से, कि आपने पूरी इंटर्नशिप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी कंप्लीट करी है, ये आपकी सिंसियरिटी दिखाएगी, वहां शो करेगी। तो अभी मेरी बात को भरोसा रखना, आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई जरूर करना अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तो। और यहां पर आपको पेड इंटर्नशिप, आपको पैसा भी दिया जाएगा कमीशन की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हम एनएचआरसी की इंटर्नशिप के बारे में अभी डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको एक एक डिटेल्स वीडियो के अंदर बताता हूं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है और वो कंफ्यूज है कि यार मैं कोचिंग कहाँ से लूँ, तो अनअकैडमी उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जुडिशरी का प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसके अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेस चलते रहते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली अनअकैडमी की तरफ से जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच चालू होने जा रहा है, राजस्थान जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए, जहां पर आपको पूरा का पूरा मेंस की तैयारी कराई जाएगी। 15 दिसंबर से यह बैच चालू होगा 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में, और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेज हैं, जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक नया बैच चालू हुआ है जुडिशरी का, 1 ईयर बैच के नाम से एमर्ज, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, और भी एक्साइटिंग बैचेज हैं। एक बार ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको पूरा का पूरा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक जुडिशरी का आइकॉनिक का बैच भी है, जिसमें सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के मिलेंगे। इसके अंदर आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसमें फायदा एक ये होगा कि आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप मिलेगी, यहाँ पे मेंस की टेस्ट सीरीज का भी आपको फोकस्ड करा जाएगा, T20 की टेस्ट सीरीज भी चलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं। मैं प्राइजेस की बात करूं, यहां पर 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, बस मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 का। और फ्री क्लासेस को आप बिल्कुल भी लेना मत भूलना, अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस बहुत अच्छे से चलती हैं जुडिशरी प्लेटफॉर्म के लिए। बस आप फ्री को क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज करिएगा SLG10 का। कोई भी एजुकेटर की आप मेरी भी क्लासेस ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली बात यहां पे आती है, ऑनलाइन पेड इंटर्नशिप में NHRC के बारे में बात कर रहा हूं, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की होती है और गवर्नमेंट के थ्रू ये बनाई गई है पूरी की पूरी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बहुत लोग इस कमीशन के बारे में जानते होंगे, प्रीवियसली भी मैंने आपको अपडेट कर रखा है, और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड होने के बाद ऑलरेडी जो है इन्होंने इंटर्नशिप कर भी चुके होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए इंटर्नशिप लेके आया हूं जो बिल्कुल नए आए हैं और जिनको इंटर्नशिप की बहुत ज्यादा नीड है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। सबसे पहली बात, ये शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप होती है, यहां पर जो है ना इनका मोटिव क्यों होता है, आपको जब कमीशन की तरफ से लेटर आता है कि आप सिलेक्टेड हो, तो आपसे ये सारी बेसिक बातें पूछी जाती है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्यों बनाया था, कौन से सेक्शन के अंदर गवर्न्ड है, कौन से एक्ट की वजह से ये नेशनल NHRC हमने बना रखी है, इसका क्या फायदा है, ये क्या क्या प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती है, ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इनका क्या काम है, क्या अवेयरनेस स्प्रेड करना, और यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए भी अवेयरनेस स्प्रेड करना, ताकि क्या क्या प्रोटेक्शन हो सकता है और ह्यूमन राइट्स का क्या काम है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करा जाए। तो इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है प्रमोट करने का, इंटर्नशिप्स कंडक्ट कराओ, लोगों को बताओ, उनको सिखाओ, बच्चों को सिखाओ। तो इसीलिए जो ड्यूरेशन है इंटर्नशिप की, बहुत सारी तरीके की आती है, समर सेशन चलते हैं, विंटर सेशन चलते हैं, और एक हमारा शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप का सेशन चलता है NHRC की तरफ से। ये जो है ड्यूरेशन छोटा होता है, 17 जनवरी से आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी और 31 जनवरी तक आपकी इंटर्नशिप रन करेगी, याद रखना 17 जनवरी से चालू हो जाएगी और 31 जनवरी तक आपकी चलेगी 2022 के अंदर मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर ये याद रखना, ऑनलाइन इंटर्नशिप होगी, आपके घर पे आपका लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये ऑनलाइन है, आपको कहीं जाना नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, ऑनलाइन ही आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, आप BA LLB
जो 5 साल वाला एलएलबी का कोर्स होता है, आप उसके अंदर अगर थर्ड ईयर में पढ़ते हो तो आप एलिजिबल हो। सेकंड ईयर में भी पढ़ते हो ना तो भी आप मान सकते हैं एलिजिबल हो, आप फॉर्म जरूर भरिएगा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। और अगर कोई डिप्लोमा का कोर्स प्रस्यू कर रहा है वो भी एलिजिबल है, वो भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और आप आउट ऑफ द लॉ मतलब लॉ बैकग्राउंड के अलावा भी आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो ना तो भी आप एलिजिबल हो, आप एनएचआरसी के लिए फॉर्म भर सकते हो, इंटर्नशिप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर बात करी जाए, यहां पर अगर आपकी रिसर्च पोटेंशियल है तो आपका फायदा होगा, यहां पर ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन जो होने के चांसेस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब मैं बात करूं यहां पे आपके जो है ना 12th में 60% होने चाहिए और जो आप करंट कोर्स परस्यू कर रहे हो 60% होने चाहिए। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके 60% भी नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आपका क्या है यहां पे एग्रीगेट टोटल बनता है, एग्रीगेट टोटल के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कमीशन को लगता है कि नहीं नहीं यार ये बच्चा बिल्कुल एलिजिबल है, इसको हमारे को हायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है या हमें इसके चांस देना चाहिए, तो कमीशन ऑलरेडी आपको जो है हायर कर लेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट मैंने आपको एक ही बात बोली है, फॉर्म जरूर भरना है आपको, क्योंकि फॉर्म भरने से एक फायदा ये होता है कि एक उम्मीद आ जाती है चलो कमीशन ने आपका नाम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। स्टाइपेंड की बात करूं तो आपको जब इतने 10 या 15 दिन के लिए इंटर्नशिप मिल रही है और आपको 2000 रुपए पे वो करेगी कमीशन, आपको 2000 रुपए देगी, साथ में 15 दिन के लिए आपको सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही अपना ऑनलाइन काम करना होगा घर बैठे बैठे, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मेरी नजर में लॉ स्टूडेंट के लिए एक परसुइंग कोई आप कोर्स कर रहे हो उस नजर से हम देखा जाए तो बिल्कुल गलत बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, 2000 रुपए बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट है। और मैं बात करूं अप्लाई कैसे करना है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया होगा, तो आप जो है ना उस लिंक को ध्यान से खोलना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ही अंदर ही मिल जाएगा, हो सकेगा तो मैं कमेंट बॉक्स पे पिन भी कर दूंगा, तो वहां पर आप लिंक जब ओपन करोगे तो आपसे मोबाइल नंबर आपका रजिस्ट्रेशन का मांगेगा, तो और आपसे ये भी पूछेगा कि भाई आपने पहले कभी इंटर्नशिप करी है या नहीं करी है, तो आप नो पे क्लिक करोगे तो प्रोसीड हो जाएगा, आप अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी रजिस्टर्ड करोगे, फिर अपनी सारी डिटेल्स फिल करोगे, डिटेल्स में आपके पास ऑलरेडी आपके पास क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 250 वर्ड्स का आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट्स सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए और रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम, ये चीजें मांगेगा, तो याद रखिएगा। अब लास्ट डेट की मैं बात करूं 2 जनवरी 2022 लास्ट डेट है, क्योंकि 17 जनवरी से इंटर्नशिप चालू भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों का नाम शॉर्टलिस्ट भी करना होता है, उनको इंफॉर्मेशन भी देनी होती है कि भाई आपका नाम शॉर्टलिस्टेड है, आप इंटर्नशिप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बाकी का जो मैनेजमेंट का काम होता है, कम्युनिकेशन का जो काम होता है, ईमेल्स भेजने का जो काम होता है, इसके लिए 5-10 दिन चाहिए होते हैं कमीशन को। तो 2 जनवरी लास्ट डेट है, आप इस 2 जनवरी से पहले पहले फॉर्म भर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस को, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जरा सी भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कोई सजेशन या डाउट जरूर बताइएगा। साथ में आप अगर एलिजिबल हो और आप ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हो तो आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अपने जूनियर्स को इस इंटर्नशिप के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, मेरी गारंटी आप लोगों के लिए, तो आप अप्लाई जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।